कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधियों के हौसले बुलंद, योगी सरकार में नहीं लग रही अपराधियों पर अंकुश। मामला थाना कल्याणपुर के अंतर्गत केशवपुरम के अंतर्गत आवास विकास में रहने वाले अशोक कुमार यादव, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं व दैनिक अखबार के प्रधान संपादक हैं और रनिया विधानसभा कानपुर देहात के विधानसभा प्रत्याशी भी रहे। अभी भी पूर्व में अखबार के ब्यूरो चीफ आशु यादव की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पैरवी संपादक जी द्वारा की जा रही है। संपादक अशोक कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि पत्नी घर पर अकेले थी एवं पुत्र बाहर थे। उसी समय किसी व्यक्ति ने एक शक्तिशाली बम से अशोक कुमार यादव के निवास पर हमला कर दिया और बम अधिक शक्तिशाली बताया जा रहा है, लेकिन उस समय पत्नी शालिनी यादव उस कमरे में नहीं थी। वही पत्नी शालिनी यादव ने बताया कि कुछ नुकसान नहीं हो पाया और मीडिया से ये भी बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा मेरे पति की हत्या करने की कोशिश की है और मेरे परिवार सदमे में है। वही कल्याणपुर पुलिस ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया है और मामले को गंभीरता से लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। वही दूसरी तरफ पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष विनोद कुमार प्रजापति व मुख्य महासचिव राजपाल यादव ने जिलाधिकारी एवं SSP कानपुर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के समस्त पदाधिकारियों ने अशोक कुमार यादव की सुरक्षा की मांग को इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। निष्क्रिय हो गया था, जान से मारने की नियत से हमला पर आए और घर के अंदर बम फेंका गया। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे मिली, मैं चूंकि बाहर था तो मैंने पत्नी से कहा कि आप 112 नंबर बुला के पहले पुलिस को सूचना दे दीजिए। 112 से सूचना हुई, पुलिस वाले आए और जो भी पूछताछ की उन्होंने करने के बाद कहा कि आप थाने में एक FIR दर्ज कराइए। और ये बहुत सर आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप कल्याणपुर थाने क्यों आए हैं, क्या हो गया? मेरा नाम अशोक यादव है और मैं अमर स्तंभ दैनिक अखबार है, दैनिक अखबार उसका मैं संपादक भी हूँ और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। कल से मैं कानपुर से बाहर था, लखनऊ में था और आज सुबह 6 से 7 बजे के बीच में हमारे घर पर किसी अपराधियों द्वारा बम से हमला किया गया है। बहुत भारी बम था जो घर के अंदर फेंका गया और घर पर हमारी पत्नी अकेली थी, बेटा भी नहीं था, रात को नोएडा गया था, वो बीटेक कर रहा है और मैं भी बाहर था। तो वो घटना बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ा हमला हुआ है, बड़ी हमारे ऊपर जान से मारने की कोशिश की गई है, ये सोचते हुए घर में ये नहीं तो घर में कोई होगा बाइक के ऊपर हमला किया जाए जाने की कोशिश की गई है। उसके बाद जब मैं लखनऊ से वापस आ रहा तो हमारे राजकीय अध्यक्ष जी सुखपाल सिंह जी का कार्यक्रम होने के नाते मैं कार्यक्रम में था और वहाँ से लौटकर आया यहाँ पर, तो अभी थाने आया हूँ FIR लिखाने के लिए। इससे पहले 112 पर सूचना हमारी पत्नी ने दी थी, उसमें जो 112 से चौकी पुलिस वाले और चौकी से कोई दरोगा जी घर गए हुए थे, तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि आप थाने पाके FIR कराइए, एक एप्लीकेशन दीजिए, उसको हम लोग देने के लिए आए। हमारे साथ में हमारे प्रगतिशील समाज कि आपको किसी के ऊपर शक है कुछ किसी प्रकार कोई रंजिश पहले रही, कोई धमकी या कुछ किसी प्रकार का? 31 तारीख को हमारे अमर स्तंभ के जो कानपुर के चीफ ब्यूरो हैं आशु यादव जी, उनको घर से बुलाकर किसी बहाने से घर से बुलाया गया और 1 तारीख को गायब है, 2 तारीख को उनकी लाश गाड़ी में बरामद हुई थी जी। और चूंकि हमारे अखबार के चीफ ब्यूरो थे कानपुर के, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं उनकी मदद करूं, उनकी पैरोकारी करूं, मुलजमों को पकड़ा जाए, उनको सजा मिले, तो उसमें पैरोकारी कर रहे थे जी। तो हो सकता है उससे रिलेटेड अपराधियों के ये षड्यंत्र हो सकता है जी। दूसरा मेरी किसी से ऐसी कोई रंजिश कभी हुई नहीं है, राजनीतिक रूप से मैं कानपुर देहात की रनिया विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हूँ विधानसभा का और उसमें तैयारी कर रहा हूँ, तो हो सकता है राजनीतिक द्वेष किसी ने ये हरकत की हो या आंसू के अपराधी जो बाहर घूम रहे हैं जिनको हम लोग गिरफ्तार कराने के लिए बराबर पुलिस पे प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं, उनके द्वारा भी ये कृत किया जा सकता है। ये जांच का बिंदु है, ये पुलिस को इसमें गंभीरता से जांच करनी चाहिए। अभी तो ये छोटी सी घटना, ये बच गए हैं, बम निष्क्रिय हो गया, अगर दोबारा कहीं और जाए बहुत बड़ी घटना हो जाए पूरे क्षेत्र में इसकी बम तो बम होता है, जाने कितनी बड़ी जनहानि हो सकती है। और वो जो रोड है केशव वाटिका के सामने वहाँ तमाम आवागमन रहता है, वहीं घर के थोड़े से आगे सरकारी शराब की दुकान खुली हुई है, वहाँ पर अपराधी आते हैं, शराब पीते हैं, वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, आए दिन वहाँ घटनाएं होती हैं, गाली गलौज करते हैं, पुलिस की वहाँ गश्त भी नहीं होती है, तो पुलिस की निरंतर वहाँ गश्त चले, उनकी जो अपराधी वहाँ घूमते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और FIR होकर इसकी जाँच हो। इसकी कोई कॉपी वगैरह कैमरे में दिखा सकते हैं अभी FIR कुछ लिखित में जो दी है? ये है FIR कॉपी अभी थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, थोड़ा सी इसकी FIR कॉपी देने के उन्होंने देने के लिए कहा है कि 2 घंटे बाद हम आपको जो FIR जो दर्ज होगी की कॉपी उपलब्ध करा। ट्रक क्रॉस हुआ है, वो ऊपर से लड़के नीचे गिरा, उससे कोई क्षति नहीं हुई मगर आगे से कोई हो तो सकती है,
और बहुत बड़ा मतलब ऐसा देसी बम था, बड़ा बम से हमला किया गया है घर पे। आपको किसी पे शक है किस मतलब कौन कोई रंजिश नहीं हो कभी पुरानी रंजिश या किसी ऐसा क्यों किसी रंजिश नहीं है, मगर अभी एक आशु यादव का एक केस आया था जिसका मर्डर किया गया है और पुलिस ने बताया वो हिस्ट्री सीटर है। मेरे हस्बैंड अशोक यादव जी जो संपादक हैं अमर संघ का, वो उन्होंने इस केस को उठाया और उसकी लड़ाई लड़ी हो उसके लिए। तो मुझे ये लगता हो सकता है इस उस केस से इसका भी कोई ना कोई अटैच हो, और वैसे तो हमारी ऐसी तो जाति दुश्मनी है नहीं, और रंगिया विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, विधायकी की चुनाव 2022 की तैयारी चल रही है तो वो उसमें लगे रहते हैं। और कल जो घटना घटित हुई है उसमें मेरे हस्बैंड कानपुर में थे नहीं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय सुखपाल सिंह जी का प्रोग्राम लगा था, वो उसी कार्यक्रम में उनको लेने गए हुए थे, और उस समय मेरे घर पे मेरा छोटा बेटा था नहीं घर पे, और बड़ा बेटा और बहू वो ऊपर कमरे में थे जो शायद उनको पता नहीं चल पाया, मैं आगे वाले कमरे में थी जब जिस समय घटना घटित हुई है। कितने बम फेंके गए थे? कुछ एक बम फेंका गया है। आपने पुलिस को सूचना दी? जी 112 में मैंने सूचना दी जी। क्या सूचना लेके बुलाया उनको और उनको पूरा संज्ञान में उनकी वीडियो भी बनाई गई है और उनसे बात भी की गई है, उसको तत्काल इस पर कोई ना कोई गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो मैंने ये भी कहा है उनसे कि आप आगे मतलब ऐसी घटना ना हो यहाँ गश्त बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे दारू का ठेका भी है। अभी जिस समय पुलिस आई थी उस दिन 5 व्यक्ति अभी वहाँ से गुजर के गए, मैंने उनको भी इसलिए भी बोला कि आप लोग आपके सामने ऐसा हुआ वो आपने कुछ नहीं किया, तो आप कह रहे हो कि मैं गश्त, तो ये तो पुलिस का काम है। तो उसी संबंध में हम लोग आए हैं यहाँ पर FIR कराने के लिए, अभी तहरीर दी है और SSI महोदय द्वारा कहा गया है कि 2 घंटे बाद हम FIR की कॉपी आपको दे देंगे। और ये भी पूछा कि किसी के ऊपर आपको संदेह है इस संबंध में कुछ बताइए, मैंने मेरी व्यक्तिगत किसी से रंजिश नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं राष्ट्रीय दैनिक अखबार है अमर स्तंभ उसका संपादक भी हूँ, और हमारे कानपुर के चीफ ब्यूरो आशु यादव की अभी 2 तारीख को लाश बरामद हुई है, जो 2 दिन पहले घर से गायब हुए थे, उसमें 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, बाकी मुलजिम फरार हैं, अभी मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं। हमारी अमर स्तंभ परिवार की पूरी टीम उसमें लगी हुई है, पैरोकारी कर रही है, और हमारे चूँकि परिवार का चीफ ब्यूरो था, हमारे अमर स्तंभ अखबार का था, तो मेरी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसकी पैरोकारी करें और मुलजिमों को सज़ा मिले, उसकी हम लोग कर रहे थे, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई अपराधी हो। दूसरा, मेरा राजनीतिक जीवन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ और कानपुर देहात की रनिया अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी भी हूँ, तो क्षेत्र में जनता के बीच में जाना और पार्टी का प्रचार प्रसार करना, उससे भी राजनीतिक द्वेषता के कारण लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन ये पुलिस के लिए बहुत ही गंभीरता से लेने का और जांच का बिंदु है और अपराधियों तक पहुंचने की आवश्यकता है। अगर इसी तरह से होता रहेगा तो पूरे प्रदेश में लाइन आउट पूरी तरह से फेल हो गया है, अब तो घर में भी इस तरह की घटनाएँ होने लगेंगी, घर में बम फेंकेंगे तो आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो ये मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसको गंभीरता से लेते हुए और मुलजिमों तक पहुँचे और उनको कठोर से कठोर इसमें कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ विनोद कुमार प्रजापति। जैसे कि अभी आप थाने में खड़े हैं और अभी अशोक यादव जी ने यहाँ पर अपना बारे में बताया, तो आप उस उद्देश्य में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो घटना हुई जिस तरीके से, आज हमारे प्रदेश महासचिव जी माने अशोक यादव जी बाहर थे और घर पे केवल उनकी पत्नी थी शालिनी यादव जी, जिस तरह के अपराधियों के द्वारा उनके यहाँ बम फेंक करके एक बड़ा घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और हम लोग प्रशासन से अपेक्षा करें मुकदमे के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो सही अपराधी हों उन तक पहुँचा जाए। और जिस तरीके देखिए आज जो अपराधियों का जो मनोबल बढ़ रहा है, ये इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रशासन की जिस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाइयाँ ना होकर के दबाव जो सरकार का रहता है उसके कारण जो अपराधियों का मनोबल बराबर निरंतर बढ़ रहा है, इसकी घटनाएं जो निरंतर हो रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से SSP कानपुर और DM साहब को कोई संदेश देना चाहेंगे इस प्रकरण को लेकर? देखिए, हम लोग जिलाधिकारी और सिवन कप्तान साहब से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि इस घटना की जल्द से जल्द जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ में चक्कर जो पीड़ित परिवार है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। मैंने अशोक यादव जी के घर पे जिस तरीके से सुबह प्रातः 6 से 7 के बीच में एक बम फेंक करके हत्या करने के इरादे से बम फेंका गया है,
ये बहुत ही निंदनीय है। और ये प्रशासन की जिस तरीके से लचर व्यवस्थाएं हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का इतना मनोबल हो गया है कि दिन में घटनाएं करने के उनके साहस हो रहा है। तो हम लोग ये आवेदन पत्र ले करके मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए थाने पर आए हुए हैं। तो हम लोग चाहेंगे मुकदमा तो एक घंटे के उन्होंने समय दिया, घंटे के अंदर पंजीकृत करेंगे। प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे आपके माध्यम से कि इस मुकदमे के साथ